युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में रैली निकाली और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। रैली को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने संबोधित किया। युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला और शहर में रैली निकालकर महंगाई के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। रैली को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने निजी बसों के किराए में बढ़ोतरी करने का विरोध करते हुए कहा कि इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता पर बोझ डालने की बजाय सरकार निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स व दूसरी रियायतें प्रदान करे। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पिछले छह महीनों से इनकी जो जितनी भी जनविरोधी नीतियां, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर जो कांग्रेस सर को बदल रही है। जिस तरह से केंद्र में चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी और इनके मंत्रियों ने किस तरह से युवाओं को रोजगार देना चाहिए और किस तरह से देश के अंदर किसानों को मजबूत करना चाहिए, किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, झूठे वादे लेकर ये 2014 के अंदर सत्ता में आए। महंगाई जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस समय जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज वो 915 रुपए का। मैं नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल से पूछना चाहता हूं कि उस समय वो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस की छवि को खराब कर रहे थे कि एक बार वो सत्ता में उन्हें मौका दें, तो आज वो कहां है उनके सत्ताधारी मंत्री? हां, वो महंगाई है, आज वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। जिस तरह से आज पेट्रोलियम और डीजल के पदार्थों का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के जो स्कैम है, चाहे वो पैसों का स्कैम है, अर्थव्यवस्था का स्कैम है, चाहे वो राफेल डील हो, और किस तरह से देश छोड़कर जो देश का पैसा लेकर जो भगौड़े भाग रहे, चाहे ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, क्यों सरकार इसमें नाकाम है? हम इनसे पूछना चाहते कि आने वाले समय में जिस तरह से ये डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और प्रदेश सरकार जो बसों में किराए में बढ़ोतरी करने जा रही है, हम प्रदेश सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर बसों में किराए में वृद्धि हुई तो आने वाले समय में जितने भी इनके प्रदेश के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग विधानसभा में विधायक हैं, उनसे पूछेंगे, उनके घरों का घेराव करेंगे हमारे यूथ कांग्रेस के साथी। हम इनको चेताना चाहते हैं कि वो बस किराए में वृद्धि न करें, बजाय डीजल के अंदर जो कर है, जो टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें वो कटौती करें और आने वाले समय में इसी तरह से यूथ कांग्रेस जो विधानसभा स्तर पर जाएगी और प्रदर्शन करेगी और इनसे सवाल जवाब मांगेगी।